हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। एंड गाइस, तीसरा दिन है आज, आपको यही जैकेट देखते हुए, यही कपड़े पहन के और बिना नहाए मैं, तीसरे दिन की मॉर्निंग है। आज हमें शायद डिस्चार्ज मिल जाएगा और बेबी हमारा आ गया है। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा बेबी, तो अभी ये रिवील करेंगे आप लोगों के सामने कि बेबी गर्ल हुई है। इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। और सोनम, मतलब कल वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि सोनम को जो पेन हुआ था ना, मैं सच में लिटरली रोने लग गया था। आज मेरे को बाद में पता चला, सकते रोए। आप लोगों के सामने सारी चीजें रिवील करेंगे, बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है। तो आपके प्रेडिक्शंस क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ हमें, क्योंकि आप वैसे ही बहुत अंतर्यामी हो, तो फटाफट बताओ। हमें तो पता है क्या है, लेकिन हमें एक्साइटमेंट रहेगी कि आप क्या कमेंट करते। तो जल्दी फटाफट कमेंट करके बताओ, आखिरकार आपको पता चली जाएगा कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। आराम से सो रहा है, ये देखो आराम से लेटा हुआ है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति ये बोल रहा है सो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं सो ही रहा है, सो भी रही हो सकती है, सो भी रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सस्पेंस बना रखा आपने। तो अभी आपको दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे बेबी का बाद में। तो अभी देखो सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 8, और सोनम के लिए यहाँ पे आ गया नाश्ता। और आजकल भाई इसको यहाँ पे सब उबला हुआ ही मिल रहा है। तो गाइस, कल का दिन तो भूल ही नहीं सकती हूँ। मतलब एक ऐसा टाइम आता है ना कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज को। मतलब जिनके साथ हो रखा है वो भैया वो तो पता है, जिनके साथ नहीं हो रखा उनको सब नॉर्मल लगता है, जैसे मुझे आज तक लगता था, बट आज के बाद नॉर्मल नहीं लगता है। मैं कह रही हूँ आप लोगों की दुआएं हैं कि मतलब इतना प्यार लाते कहाँ से हो भाई। मतलब थैंक यू यार, मतलब हर चीज के लिए, बेबी के लिए भी एंड मेरे लिए भी प्रे करने के लिए थैंक। आप ही लोगों की दुआ है जो इतना पेन में बर्दाश्त कर गई और हमारा बेबी बिल्कुल सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं है उसको, एकदम परफेक्ट। थैंक यू। तो गाइज, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी है, हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं और हैं, हमें लगा घर जैसा फील आ रहा था। बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छी फैसिलिटी, सीरियसली इतनी उम्मीद नहीं करी थी। मैं तो जिस दिन से आया हूँ ना, मैंने अपना यही वाला कोना पकड़ के रखा है, यहीं पे मैं पड़ा था, यहीं सो रहा था आराम से। तो गाइस, अभी सोनम के लिए इसमें आया है दूध, गरम दूध है, और सारी इसको उबली हुई चीजें मिल रही है यहाँ पे, इसलिए इसका मन नहीं करता खाने का। फिर मैं तो कब यहाँ से जाऊँ हॉस्पिटल से, घर का मैं चटपटा खाऊं, स्पाइसी खाने वाली लड़की को ऐसा खाना पड़ रहा है। बट अभी तो खैर मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, खाना बहुत अच्छा। तो ये सारा गाइस हेल्दी खाना है, बिल्कुल बाहर की तरफ करना है, रोटेशंस करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। मदर्स को यूजुअली अपने लोअर लेग्स में स्टिफनेस फील होती है, पेनफुल रहता है, तो वन बाय वन आप हील को स्लाइड कर सकते हो, इससे आपके नीचे आए टांगों पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। गाइस, हमारा बेबी इतना ढीट है, हमने इसको इतना दूध पिलाने की कोशिश कर ली, लेकिन आँख खोलेगा फिर सो जाएगा, आँख खोलेगा और फिर सो जाएगा। इस बेबी को दूध पिलाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो गाइस, अभी आ चुका है सोनम का लंच, क्योंकि अब टाइम हो गया है, दोपहर के 2 बज गए हैं और लंच का टाइम हो गया सोनम का। एंड गाइस, अभी बेबी को हर 2 घंटे के अंदर फीड कराना पड़ता है, और जिसके लिए बेबी को उठाना पड़ता है, लेकिन बेबी उठता ही नहीं है भाई, हमारा क्या करे। तो गाइस, अभी आप देखो, हमने देखो इसको कैसे करके सुला दिया, मैंने ना अभी इसको ऐसे सुला दिया। अरे नहीं, उसका सांस नहीं घुट रहा पागल, ये ले, ऐसे मजाक मत किया करो, ठीक है ले। अब ठीक है, कैसा लग रहा है खाना खा के? अच्छा लग रहा है ना? 2-3 दिन से इसका लिक्विड ही ज्यादा फॉर्म चल रहा है। 3 किलो। तो गाइस, फाइनली मैं आपको बता दूं भाई, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं पापा बन गया, और हम लोग, मैं और सोनम पेरेंट्स बन गए। और पिछली वीडियो में जो आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की बेस्ट विशेज है, आप लोगों की दुआएं, कहते हैं कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, भाई बहुत असर होता है। इसी वजह से सोनम को भी अच्छे से सब कुछ हो गया, हमारा बेबी इस दुनिया में आ गया। तो आप लोगों का हाथ जोड़कर तहे दिल से शुक्रिया। तो गाइज, ये रहा हमारा छोटा सा बेबी। तो अभी आपको इसकी हम शक्ल नहीं दिखाएंगे और जेंडर भी रिवील नहीं करेंगे, तो अभी आपको अंदाजा लगाना है कि भाई ये लड़की है लड़का है, तो कमेंट करके बता देना भाई। अच्छा, मैं इसके बारे में बता सकती हूँ, ये 3.6 किलो का बेबी हुआ है। अब अंदाजा लगाना, क्योंकि जेंडर आप ही को रिवील करना है। तो होठ तो दिखा दो सोनम, लिप्स देखना किसके ऊपर गए, कमेंट करके बताना। तो गाइज, आने वाली वीडियोस में आपको सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, बेबी का फेस भी दिखाएंगे, जेंडर भी दिखाएंगे। तो थोड़ा सा सस्पेंस जब तक वीडियो के अंदर क्रिएट ना हो तो मजा सा नहीं आता। तो फटाफट से कमेंट कर दो यार नीचे वीडियो के अंदर, और बताओ कि लड़का है या लड़की है, देखते हैं किसके फेवर में ज्यादा प्रेडिक्शंस आते हैं लोगों के।
सो गाइज आपको सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू एंड इसके बाद मैं आपको इस छोटे से रूम का थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसा रूम है। आप लोग काफी बोल रहे थे कि दी एक बार रूम भी दिखा दो किस तरह की फैसिलिटीज है, तो अभी मैं एबल हूँ सब कुछ दिखाने के लिए और मैं थोड़ा अच्छा फील भी कर रही हूँ। तो गाइज एक बार एक लुक देख लो जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, हमने सेपरेट रूम लिया था। गाइस फैसिलिटीज की मैं बात करूँ तो फैसिलिटीज तो भाई इतनी अच्छी है, मतलब पर्सनली मेरे को आने से पहले नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा क्विक रिस्पांस जो आता है ना वो उस तरह का रहेगा। काफी स्टाफ काफी सपोर्टिव है, यहाँ पे स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, आपको लगेगा ही नहीं मतलब आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सबसे अच्छी चीज क्या है, अपने सामान रखने की कोई भी दिक्कत नहीं है, पर्सनल लॉकर दिया हुआ है, आप अपना कुछ भी सेपरेट सामान पर्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं एंड इतने सारे कबर्ड है, ये देखो इतने सारे ड्रॉर है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। और यहाँ पे छोटा सा फ्रिज भी है, अगर आप आपका बेबी हुआ है और आप बियर कुछ पीना चाहते हैं चेयर्स करना चाहते तो पी सकते हैं। तुम गंदे काम बता तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया गाइस, लेकिन मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस टीवी वगैरह से लेके सब कुछ है, हमने थोड़ा सा मैसेज कर दिया क्योंकि बेबी के कपड़े उपड़े जो भी है सब इधर उधर पड़े हुए हैं, अभी तो कुछ सतूले में नहीं है। ऐसे रूम्स में सारी फैसिलिटीज रहती है। सबसे अच्छी चीज है कि एक बटन दबा के आप किसी भी स्टाफ के मेंबर को बुला सकते हो एंड गाइज इनका रिस्पांस इतना बढ़िया है, मजाते ही ये लोग आते हैं। एंड गाइज ये रहा मेरा बिस्तर खाना, मैं यही पड़ा रहता था, सोनम को कोई देखने के लिए आता था तो इस तरीके से ये पर्दा यहाँ लग जाता है, सेपरेट हो जाता है तो अपना यहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं। एंड गाइज ये मैनेजर से बताया कि रेडिशन के जस्ट पीछे है तो व्यू भी बहुत ही अच्छा आता है, देखो पर धूप नहीं आती, व्यू तो अच्छा आता है थोड़ा सा। क्योंकि हमारा रूम इस साइड वाला है, हाँ। जो उस साइड वाले रूम है उन सबके अंदर धूप आती है। और भाई ये हम होटल का कहीं आप सोच रहे हो रिव्यू कर रहे हैं, भाई रिव्यू वगैरह नहीं कर रहे, हम पर्सनली आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ की फैसिलिटी सारी चीजें, हमें तो पर्सनली बहुत बहुत अच्छी लगी। इसलिए अगर इन फ्यूचर अगर आप कोई अच्छा हॉस्पिटल देख रहे हो जयपुर के अंदर तो ये प्रेफर कर सकते हैं। रूम हमने आपको इसीलिए दिखा दिया कि इन फ्यूचर अगर आप अपना बेबी प्लान कर रहे हो तो रूम्स वगैरह बहुत अच्छे, इससे भी बड़े रूम है डिलक्स, वो बहुत ज्यादा बड़े चीज है, स्टाफ काफी कोऑपरेटिव है। हाँ गाइस ये जो लिखा हुआ है ना ये अभी बहुत अच्छा है, अभी शक्ति पढ़ के बताएंगे इसको। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है 10 little fingers, 10 little toes, rosy little lips and a button nose, so soft and cuddly with a baby's sweet smell, eyes so full of trust that I can't fail. तो ये जो actual में जो चीज लिखी हुई है ना यही चीजें seriously parents feel करते हैं और मैं भी फील करता हूँ। हम रूम में आए थे ना फर्स्ट डे तब फील नहीं हो रही थी, बट वापस जब हम नेक्स्ट डे वापस रूम में आए ना तो अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि हमारे पास हमारा छोटा सा ये कडली बेबी जिसकी छोटी छोटी फिंगर्स हैं। भाई अपना बच्चा तो बहुत प्यारा लगता है कि नॉर्मली सोनम को वॉशरूम पसंद नहीं आते हॉस्पिटल्स के, लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पे सब कुछ फैला दिया नहा के, लेकिन वॉशरूम भी काफी अच्छा है इनका और काफी साफ सुथरा है। बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो सारा दिन सोते हैं, इसको कितना भी जो पैर में टो में अपन मारते हैं ना ऐसे ऐसे करके इसको फीड करवाने के लिए, जितनी बार भी इसको फीड करवाना होता है तो इसको ऐसे, देखो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे हम लेते हैं, अभी देखो मैं रुला के दिखाता हूँ इसको, करना सोनम हिम्मत रुलाओ ना मारना, छोटे छोटे से पैर है हम ऐसे धीरे धीरे करके मारते हैं ऐसे ऐसे करके, या फिर इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ये देखो ये देखो फुल ऑन नींद में है। जब भी गाइस बेबी फीड करता है ना तो फीड करते करते सो जाता है, मुश्किल से 2-3-5 सेकंड करेगा फिर सो जाएगा फिर। तो गाइस अभी मैं आपको बता दूं भाई मैं आ चुका हूं घर पे और अभी सोनम है हॉस्पिटल में और अभी घर पे आया क्योंकि आज हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा, थोड़ा बहुत नहा धो लूं मुंह धो लूं, क्योंकि वहां है ना हॉस्पिटल में यार नहाने के बाद भी ऐसा फील ही नहीं होता कि नहाया। और ये देखो भाभी कल रात से वेट कर रही है बेबी का, पूरी रात पर सोई नहीं सोई आप? सोए थे मतलब भाई सबको एक्साइटमेंट रहता है ना कि देखने की इच्छा हो रही है, मिलने भी जाते लेकिन कोरोना की वजह से ना डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहे। हाँ भाभी बस आप ही है, हमारी जीजा जी है वैसे भाभी कुछ जाती लेने जाएंगी तब जाएंगी, वैसे होती लेकिन। और यशु सबसे ज्यादा खुश हो रही है, यशु कैसे खुश हो रही है बताना, ज्यादा खुश हो रही है, यशु छोटा बेबी आ जाएगा उसको खेलने के लिए, अच्छा उसको बच्चा चाहिए कोई भी खेलने के लिए, यशु छोटा बेबी आ रहा है ना अपना, देखो देखो कितनी खुश हो रही है। तो गाइज ये ऐसे बोल रही थी अभी मेरे को
कि अभी है ना हॉस्पिटल जाएंगे, वहां से छोटा बेबी लेकर आएंगे। ये तो बहुत एक्साइटेड है छोटे बेबी के लिए। बार बार इसने वीडियो कॉल कराया मेरे को, मैंने इसको बेबी का फेस भी दिखाया। हाँ। और ये बहुत खुश हो रही है। तो अभी चलेंगे सारे लोग मिलके। इसको अभी यकीन नहीं हो रहा है, देखेंगे तो यकीन करेंगे, मानेंगे कि हाँ भाई बस सच में बेबी आएगा हमारे घर में। तो अभी ये यकीन नहीं कर पा रही है। तो गाइस अभी चलते हैं हॉस्पिटल, सीधा वहां से डिस्चार्ज होंगे, फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एंट्री होगी जो सब कुछ दिखाएंगे आपको, बेबी का वेलकम हम करते हुए, उसका भी एक अलग वीडियो आएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।